अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जी बेशक बेशक, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, वाह वाह बेशक हक है, पढ़े नहीं, तर्जमा ना करे, खाली गुजर जाए, बेशक, और फिर आका फरमाते हैं, और ये तो परे, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है बिल्कुल। 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। नबी फरमाते अगर कोई आलिम है, अल्लाह, 5 चीजें ऐसी हैं जो इबादत में से है, अगर कोई कम खाए तो ये भी इबादत, बेशक, कोई मस्जिद में बैठ जाए ये भी इबादत, कोई कुरान पाक को देखे ये भी इबादत, अल्लाह अल्लाह कोई खाने काबा को देखे ये भी इबादत, बेशक बेशक, और कोई आलिम को देखे ये भी इबादत है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली देखने, और आप लोग ईशा के बाद से बैठे और अब तक देख रहे हैं, और जब तक प्रोग्राम चलेगा उस वक्त तक देखेंगे, आंखों के जरिए देख रहे हैं ये इबादत। अगर कहीं पर चौराहा हो, कहीं पर मकान हो, कहीं पर रोड हो जहां प्रोग्राम होता हो, जंगल में हो या मैदान में हो, या किसी के घर में हो या किसी के आंगन में हो, अगर वहां पर प्रोग्राम इस्लामी होता हो, आमना के लाल बयान फरमाते हैं कि उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गाजी दौरा मुफक्किरे इस्लाम, नारे तकबीर, वाह वाह सुभान अल्लाह, लाजवाब हजरत। इस जगह को अब जन्नत की क्यारी बना दिया, बेशक। ये आका ने इरशाद फरमाया कि उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मगर आज हम हैं, आका की एक एक अदा को अपनाओ तो पता चलेगा, एक एक अदा को अपने अंदर लाओ तो बेड़ा पार होता चला जाएगा। अगर हम खाली ऐसे ही नारे लगाते जाएं, अगर हम खाली ऐसे ही बोलते चले जाएं कि हम नबी के गुलाम हैं, हमारा मर्तबा ये, हमारा मकाम ये, अगर खाली कड़े हो करके नारे लगाते जाएं कि हम नबी के गुलाम हैं और नमाजें नहीं पढ़ता है और शरीयत पर नहीं चलता है, तो वो कितने ही नारे लगा ले वो इंसान कामयाब नहीं है प्यारे, वो इंसान कामयाब है अगर वो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने फिरने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। अगर ऐसा इंसान जिंदगी गुजारे तो पक्का सच्चा ये है गुलाम नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है गुलाम अल्लाह। अब हदीस शरीफ, नबी फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती, नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। बेटा बात मत करो, नबी ने फरमाया क्या बोलो, निकाह मेरी सुन्नत है। तवज्जो है ना, तवज्जो, नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत,
अब शादी ये किसकी सुन्नत हुई बोलो? मुस्तफा की सुन्नत। आका की सुन्नत, मगर अगर शुरू से लेकर के आखिर तक सारे काम देखें तो आधे काम भी सुन्नत के तरीके पर नहीं होते हैं और आधे शैतान के तरीके पर होते हैं। लोग हम पूरी शादी का अगर मुआयना करें, एक तरफ से उठा करके देखें, सबसे पहले हम देखें रिश्ता। जी क्या देखें बोलो? रिश्ता। अल्लाह अल्लाह रिश्ता देखें सबसे पहले तो हमारा तरीका ये हो गया। अब अगर रिश्ता देख रहे हैं तो लड़की नहीं देख रहे हैं, माल और दौलत के चक्कर में पड़े हुए हैं। कितना बड़ा मालदार मिल जाए इसके चक्कर में है। अब सुनो हुक्म ये कि लड़की देखो नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, रोजे रखती है या नहीं रखती है, दीनदार है या नहीं है, ये नहीं देखते हैं, ये देखते हैं बुलेट मिल रही है या नहीं मिल रही है, चार पहियों की मिल रही है नहीं मिल रही है, दो पहियों की मिल रही है नहीं मिल रही है, लड़की का कोई चर्चा नहीं है, आज जहेज का चर्चा हो रहा है। बेशक बेशक। किसी ने कहा साहब, किसी ने कहा साहब शादी बहुत अच्छी, शादी बहुत अच्छी, क्या हुआ? चार पहियों की कार दी जी, ये अच्छी हुई साहब जी, शादी बहुत अच्छी हुई। और अब तो ना इतने भिखारी पैदा हुआ, इतने भिखारी, कुबड़ा भी बुलेट मांग रहा, कुबड़ा भी बुलेट। हक फरमा। इस अल्लाह के बंदे से पूछो तेरा कुब निकला हुआ है तू कौन सी सीट पर रखेगा? दो चार भीगे अगर जमीन है ना जमीन, तब तो आसमान पे चढ़ने की कोशिश करता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, गौर करो हजरत उमर की इस बात पर। जी हजरत उमर रात के आखिरी हिस्से में चक्कर लगा रहे थे, अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर कर दूं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में चक्कर लगा रहे थे। एक के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो जैसे ही रात का आखिरी सता, उसकी माँ ने आवाज दी, ओ बेटी तुमने बकरियों को धू लिया? कहने लगी हाँ माँ मैंने धू लिया। जब इतना कहा हजरत उमर बाहर खड़े होकर के सुन रहे, कहा बेटी तुमने बकरियों को धू लिया? कहा माँ धू लिया। कहा ऐसा करो आधा पानी मिला दो, दूध खरीदने वाला आएगा, दूध मिला पानी मिला करके ज्यादा बना दो ताकि रुपया पैसा मिले। लड़की कहने लगी नहीं माँ ऐसा ना करो, माँ ऐसा मत करो, अम्मी जान ऐसा नहीं करना चाहिए। का क्यों बेटा? का इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने मना फरमाया, माँ ऐसा मत करो, दूध में पानी मिला करके बेचना नहीं चाहिए, इसलिए हम पैसे दूध के ले रहे हैं ना के पानी के ले रहे हैं। अब जरा सुनो हजरत उमर सुन रहे हैं, वो लड़की कह रही है माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ कहने लगी मेरे लाल मिला दे। क्या हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं? हजरत उमर तो सो रहे हैं। मगर परवरदिगार तो देख रहा है। परवरदिगार तो देख रहा है। जी जब इतना कहा, कहा बेटी एक बात बता, मैं तेरी शादी कहां से कैसे करूंगी? मैं जहेज कैसे दूंगी तुझे? बता वही कमाना वही खाना, मगर कैसे जहेज दिया जाएगा बेटी जरा ये बता।
अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो लड़की क्या जवाब देती है, वो लड़की जवाब दे रही कर माँ मैं हराम की कमाई हराम की दौलत हराम के पैसों से तो उनके पैसों से शादी कराने से बेहतर ये समझती हूँ कि सारी जिंदगी कुआरी बैठी रहो। वाह वाह बेशक बेशक सारी जिंदगी कुआरी बैठी रहूं। हजरत उमर ने सुन लिया, अल्लाह इतनी नेक लड़की। सुबह घर पहुंचे फजर की नमाज के बाद बीबी को बताया, बच्चों को इकट्ठा किया, फला घर में ऐसी लड़की है। बोलो तुम में से कौन रिश्ता करना चाहता है? मैं चाहता हूँ ऐसी बच्ची मेरे घर की बहू दुल्हन बने। अल्लाह अल्लाह पहले लोग लड़कियां तलाशते थे जी हक और अब तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली लसीम। अगर कंजड़ी ना कंजड़ी मुंह पे लाली लगा के क्रीम पाउडर पोत पात के अगर दो बातें कर ले तो ये मरा फिरता उसी पर। अम्मा मना करे अब्बा मना करे किसी की नहीं मानता, मार मर जाऊंगा जहर खा लूंगा, ये सारी बातें की जाती है। अब घर में आकर के बर्बादी शुरू हो जाती है। बेशक बिल्कुल हक फरमाया हजरत। पहले माँ तलाशती थी खानदान कैसा था, बेटी कैसी, उसकी माँ कैसी, उसका बाप कैसा, उसका खानदान कैसा, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। और ये लोग क्या समझते हैं? मैं अपने भाइयों को एक नसीहत की बात करूंगा। रात के दो दो बजे तक मोबाइल पे बात कर ली, एक बजे तक मोबाइल पे बात कर ली, लट्टू हुआ घूम रहे। अब्बास सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली यही है, बेवकूफी है ये। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, दिन दूर नहीं है तुम्हें भी धोखा दे सकती है। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, रात के दो दो बजे तक तुमसे बातें कर रही है, बोलो माँ को धोखा दे रही है नहीं? बाप जिसका लाल खून काला हो गया है, बोलो वो बाप को धोखा दे रही है नहीं दे रही है? जब तक तुम्हारे जेब में पैसे है, बर्गर चल रहा, पिज्जा चल रहा, चौमिन चल रही है, मोमोज चल रहे, सारे चीजें चल रही है, जब पैसे खत्म हो गए तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है, तलाक नौबत होती है। अब बताओ अगर किसी की आदत बिगड़ जाए तो तुम तो चले गए काम पे। अरे पागल मत बनो, जो लड़की अपनी माँ को और बाप को धोखा दे करके तुमसे बातें कर सकती है तो तुम्हें धोखा दे करके किसी और से भी बातें कर सकती है। हक फरमाया, हक बात। मेरी बातें थोड़ी ओपन हो रही है लेकिन हकीकत है। जी बिल्कुल हक बात, सही बता रहा हूँ मैं। जरूरत है इसी चीज की। वो माँ है माँ जिसने 2 साल दूध पिलाया, उसको ही घर में धोखा दे दिया, तभी तो गैरों से बातें चल रही हैं। जी। और पहले कितनी शर्म हया गैरत थी यार, कितना प्यारा जमाना था हजरत। अगर 2-4 आदमी उधर खड़े ना, 2-4 तो जानते हैं आप, औरतें निकल के नहीं जाती थी, और अगर जाती थी तो छुप छुप के दीवार से जैसे चोरों की तरह निकल के जाती थी। और आज अगर शादी हो कल को देख लियो, सबके दुपट्टे ऊपर जैसे खुंटी पे टांग दिए और सबसे ऊंची जगह पे खड़े हो, खे खे दांत दांत फाड़ती हुई मिल जाएंगी। उन्हें ना बाप की शर्म, ना माँ की शर्म, ना भाई की शर्म। बिल्कुल सही बता रहा हूं, ये हमारे घरों के हालात, ये हमारे घरों के हालात। और एक बात बताऊं, उन लफंगों की बातें सुनो, अपने आप को जो बहुत ऐसा नहीं है, एक दिन उनका भी आएगा जब बेटियां अपने घर में होंगी। कुछ होते हैं ऐसे जो दूसरों की बहन बेटियों को तकते हैं। तुम्हारे यहाँ मेला लगता होगा, मेले में तुमने देखा होगा,
परसों ही लगा, मेला लगा होगा, मेले में चेलम जो है ना उसमें मेला लगा होगा, और मेले में बिसात खाने की दुकानें होती है, बोलो होती है नहीं होती? बिसात खाने की दुकानों में औरतों का सामान होता है या मर्दों का? औरतों का होता है, चुटिया बुंदे औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों के, पाजेब वगैरह औरतों की, क्रीम पाउडर लाली वगैरह तेल कंगा और वगैरह वगैरह वो सब किसका बोलो? औरतों का। मगर तुमने देखा होगा 8-10 लफंगे उस मेले में भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। इस लफंगे से पकड़ के उसकी माँ ने या बाप ने पूछा क्यों नहीं, ये बता तू मर्द है कि छक्का? सही बता रहे, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है कि ये बता कि तू मर्द है छक्का? क्रीम खरीदने गया, पाउडर खरीदने गया, लाली खरीदने गया, बुंदे खरीदने गया, क्यों गया? किसी के पास जवाब नहीं है, मैं दूंगा जवाब। वो क्रीम पाउडर लाली वगैरह खरीदने नहीं गया, उसकी नियत गंदी है, वो नीच है नियत का, उसकी नियत खराब है, पूरी बस्ती में इससे ज्यादा गंदा इंसान कोई नहीं है, चाहे कितने बाल काट ले, कितने कीमती कपड़े पहन ले, इसकी नियत खराब है, दिल का गंदा है, ये कोई चीज खरीदने नहीं गया है, ये तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है, ये इसलिए गया है कि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी का चेहरा देखने मिल जाए। इस लफंगे को पकड़ के तू पूछ ले ना बोल, अरे जिस बहन को तू देखने गया था, अगर दुपट्टे में वो तेरी सगी बहन निकलती तो क्या करता, जिसे तू कोनी मारने गया तेरी भांजी होती तो क्या करता, जिसे तू धक्का मारने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता, जिसे तू तकने गया तेरी अम्मा होती। मरने को जगह नहीं थी इस लफंगे को, मगर शर्म हया गैरत खत्म, बिल्कुल बेच के खा के। मुझे इसलिए खुल्लम खुल्ला बोलना पड़ रहा, मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी लेकिन हक पर। तुमने देखा, और वो माँ बाप कितने आजाद, अब तो रात के मेले लग रहे हैं, रात के। कौन सी ऐसी तोफ की मारी जा रही है जो रात के मेले, और औरतें नए नए कपड़े पहन के, तू चल मैं चल, और क्या जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? बताओ कौन सी जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? ये माए रोकती क्यों नहीं? 10 मुहर्रम अल्लाह, या उनका 40वां चहल्लुम, ये चहल्लुम है क्या? इमाम हुसैन पाक का 40वां? तौबा 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 तौबा, तुम्हारे अब्बा का अगर 40वां होता या अम्मा का, मेला लगाते हो क्या? तुम्हारे दादा या परदादा या किसी का 40वां होता तो मेला लगाते? लगाओ मेले ठेले, बुलाओ रहे नाचने गाने वालों को, रोते हुए आते हैं कि अब्बा का 40वां, अम्मा का 40वां, इमाम साहब कुरान खानी करा दियो, इमाम साहब मिला शरीफ पढ़वा दियो, यूं कर दियो, तू कर दियो, और इमाम हुसैन से बेहतर कोई है क्या? उनके 40वें के मौके पर ये मेले ठेले, और वो भी गुंडागर्दी के लिए? 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? करबला में शहीद हुए, लेटे थे वो छोटे छोटे बच्चे, शहीद हुए, इस्लाम को जिंदा कर दिया। तुम्हें तारीख का ही पता नहीं है, तुम बिल्कुल एंजॉय पे लगे पड़ो, झूले झूले जा रहे। वहां करबला में क्या हुआ था मालूम है? सैयदा ज़ैनब, उनके हाथ में हथकड़ी पड़ा, हथकड़ी डाल दी थी, जिनकी वजह से इस्लाम जिंदा, इस्लाम जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया, कुरान ने हुक्म दिया उनसे मोहब्बत करो, नमाज पढ़ते हो तो दुरूद सैयदों पे पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। और आज उनकी औलाद करबला में लेटी है, और तुम्हारे यहाँ करबला में मर्द और औरतें एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं, और क्या क्या खरीदा जा रहा है, जलेबियों की दुकान, हलवे पारे, हलवे पराठे की दुकान, ये क्या मुसलमानों का काम है क्या? क्या ये हो
हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों का अल्लाह के बंदूक कुछ तो दिमाग से सोचते, कम से कम तीन रोटी खाते और डेढ़ की अकल तो रखो। मैं तकरीर में अक्सर बोलता हूँ यहाँ पर भी, कम से कम 10 बाप और 20 भैये ऐसे होंगे जिनकी बेटी और बहनों पे मोबाइल होगा, जिनके घरों पे बेटियों पे मोबाइल है, बेटियों पे। अगर बेटियों को मोबाइल नहीं दोगे तो फिर ये लड़के बातें कहाँ करेंगे। बड़े बड़े मोबाइल है, रात को 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक चल रहा, उसी पे लिखा लिख लिख के, अब आवाज से नहीं चल रहा, लिख लिख के क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे कर रहे हो, डूब मर जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता या और ये माएं जो है ये भी सुन ले, माएं 100 अगर माएं तो इनमें 50 माओं को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जी हक बात है, बिल्कुल पता, छुपाओ कहां तक छुपा, माँ को पता, कम से कम 50 माएं, क्योंकि ऐसी चीजें छुप रहे, माँ को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल है, 3 महीने में ये चार्ज हो रहा, फिर ये डिस्चार्ज कहां हो रहा। और जब माँ को पता नहीं तो माँ पागल थोड़ी है, माँ तो माँ है, तुझे पता क्यों नहीं है फिर। बस तुम्हारा हक इतना ही था, बच्चे धड़ाधड़ पैदा कर दिए, अब चोर बने, लफंगा बने, गुंडा बने, शराबी बने, ज्वारी बने, नशेड़िया बने, सटोड़िया बने, घुटने पे फटौवी पहनने वाला बने, छक्का बने, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, कोई जिम्मेदारी नहीं। इस माँ से पहले हिसाब होगा, माँ से, तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा, इस माँ से हिसाब होगा, माँ से। माँ को पता है मेरी बेटी रात के 2-2 बजे तक कहाँ बात कर रही है, माँ को पता किससे बात हो रही है। और नहीं है तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं की। आधी माएं ऐसे जिनको पता है, हाँ कोई ऐसी जिसको पता नहीं है। जी हाँ, अगर 3 बहनें हैं तो तीनों को पता है मेरी बड़ी बहन कहाँ बात कर रही है, छोटी कहाँ बात कर रही है। जी बेशक, छुपाओ कहाँ तक, सबको पता है। भोले बने रहते हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता है, बिल्कुल इज्जत कटने के दांव पे आ जाती है, जब तक छुपाता रहता, जब इज्जत कटने को पड़ा, अब रोता फिर रहा है, इमाम साहब कोई मियां ऐसा बताओ जो ताबीज है मेरी बेटी या बेटा कब्जे में आ जाए, इस वक्त लट होना चाहिए बना हुआ है। जी हक बात, बिल्कुल हक, हक फरमाए। बाप को हाँ बेचारे को पता नहीं रहता, बाप समाज में इज्जत से जी रहा था, बेचारा कमाता रहा दिन भर, इस माँ ने एक एक साल छुपा के रखा, एक अब रो रही है चूल्हे पे बैठी हुई, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, 2 लठ मारे जा चूल्हे पे इसी अम्मा के। अब तुम्हें कोई करा रहा है, अब करा दिया कि पता नहीं पड़ोसी ने करवा दिया, मेरी बेटी को किसने करा दिया, 2 साल से बातें कर रही थी, 1 साल से बातें कर रही थी, अब करा दिया किसी ने, बड़ा आसान सीख लिया, अब लेके चलो मियाँ। और मियाँ बाद बाद इतने डकैत पड़े, पैसे ऐठने के चक्कर बोले हाँ तेरी बेटी पे करा दिया जा, दिमाग फेर दिया, मत फेर दिया, मत इस मियाँ के भी 2 लठ मारो घुमा के। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिल अलील अज़ीम, समाज को बिगाड़ के रख दिया। पहले यार कैसे लोग थे यार, अल्लाह अल्लाह, एक किला किसी से फतह नहीं हो रहा। सुनो जवान, जवानों की सुनो, ये थे मर्द बड़े खूबसूरत, यहूदियों का किला फतह नहीं हो रहा, हजरत खालिद बिन वलीद ने नौजवान साहबा को जमा किया, तलवार हाथ में ली, इस्लामी झंडा लिया, वहां पर जाकर के गाड़ दिया, हमें इसको फतेह करना है, हमें इसको फतेह करना, अल्लाह हमें इसको फतेह करना। अब उन लोगों ने देखा कि सारे लोग हारते चले गए, ये कौन है,
कहा ये मुसलमान आए, मुसलमान नबी के गुलाम है, ये कौम आई। बेशक बेशक, देखो नबी का गुलाम क्या होता जी। वहां के जो मौलवी थे, पादरी थे, बड़े बड़े, उन्होंने कहा अगर नबी के गुलाम हैं तो इनसे कोई नहीं जीत सकता, मगर इनका इम्तिहान हम लेंगे। बेशक बेशक, बड़े बड़े छे उनके मौलाना आए, आने के बाद बोले सुनो हम तुमसे लड़ने में कम नहीं है, अगर हम इशारा कर दे तो सब लोग गर्दन कटा देंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम नबी के गुलाम हो, सच्चे हो, तो सिर्फ हमारे किले के इस दरवाजे से इस दरवाजे को निकल जाना, और यहां से हमारी मार्केट में होकर के फिर वापस इस दरवाजे पे आ जाना। अगर तुम साबित कदम रह गए, ईमान वाले रह गए, तुम्हारा कदम नहीं बहका तो किला तुम्हारे हवाले। बेशक बेशक, न लड़ाई न झगड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद ने हाँ कर दी। अब यार इतने लड़ाकू, इतने लड़ने वाले, कब्जा ना देने वाले, आज इतनी आसानी से कब्जा दे रहे जी, कोई ना कोई तो राज है इसमें। हजरत खालिद बिन वलीद ने रात को कुरान पढ़ा, साहबा ने कुरान पढ़ा, मशवरा कर रहे भाई क्या राज हो सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने और साहबा ने, उन नौजवानों ने सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, और पढ़ने के बाद खुतबा दिया का सुनो अब हम किले में दाखिल होंगे, कुछ लोग आगे को देखेंगे, कुछ पीछे नजर रखेंगे, कुछ दाएं और बाएं, कहीं से अगर तलवार आ जाए, कहीं से अगर तीर आ जाए तो तुम भी टूट पड़ना, मेरी इजाजत का इंतजार मत करना, मैं तुमसे यहीं पर से इजाजत दे करके जा रहा हूं। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात, मैं यहीं से इजाजत दे के चल रहा हूं। चलो चलो चलो, हजरत खालिद बिन वलीद और साहबा नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, साफे बांधे, तलवार हाथ में ली, घोड़े पे बैठे, अल्लाह अल्लाह, किले के दरवाजे पर आ गए, दुरूद पड़ा और अल्लाह अकबर कह करके घोड़े की लगाम खींची, घोड़े नगड़े पांव उठाए और किले के अंदर चला गया। खालिद बिन वलीद के पीछे पीछे उन नबी के गुलामों ने अल्लाहु अकबर का नारा लगा करके अपने घोड़े और तलवारों के साथ किले में डाल दिए। किले में डाल दिए, किले में जाकर के घोड़ों से उतर गए, घोड़ों की रस्सी घोड़ों के ऊपर, तलवारें हाथ में ले ली नंगी, और चलते चले जा रहे, शेर थे ये शेर जी। बेशक, और आज 18 साल का, 20 साल का, मोबाइल में वो गंदे गंदे फोटो, तस्वीरें, दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच सोच के, सोच सोच के लीवर बेकार हो गया, टेंशन हो गई है, ना खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता, बातों में लगा पड़ा, उधर से टेंशन, ये इधर से टेंशन, गालों में गड्ढे बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, चेहरे पे ढाई बज रहे हैं, बतेरा क्रीम पाउडर लगा रहा, मगर उन हड्डियों पे कहां गोश्त आ रहा है, समझे, कपड़े घुटने पे फटी हुई पैंट, बालों पे जोर है निरा, बालों पे कबीदर है कबीदर, कंघे लगा रहे हैं, हाथों में वही कड़े पहने फिर रहा, कड़े यहां से आते लटके हुए, समझे, ये हीरो चल लिया उचका ऐसे करके, पुराना आदमी अगर एक थप्पड़ मार दे तीन कलाबादी खाएगा, दो बोतलें चढ़ेंगी, ये हीरो साहब, असली हीरो ये थे, ये पुराने आदमी, अगर बैल से गाड़ी का पहिया बैठ गया, बैल से नहीं खिंच रहा, ये यहां रुमाल रखते थे मोटे पे, कांधा लगाते थे, गाड़ी को पार कर देते, ये थे असली हीरो, मगर इन्होंने आज तक किसी की बहन बेटी को नहीं तका, शान से बैठ के नीचे पलत्ता मार के मठे और गुड़ों से रोटी खाने वाले थे, बेशक आवाज दे दिया करते, ओ फुलाने का छप्पर चढ़ेगा आ जाओ, तो ये बहादुर होते थे, समझे, रुमाल डाल के और आते थे निकल के, सारे के सारे छप्पर चढ़ा के चले जाया करते थे, ये एक दूसरे की मदद किया करते थे, पूछो इन बुजुर्गों से, बेशक ये थे असली हीरो। आज सगा भाई सगे भाई का लिंटर पड़ता हो, ये कमरे में बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता मेरा भाई किस हाल में,
ये थे असली हीरो। ये कबड्डियां खेलते थे क्यों? वही खेलता कबड्डी जिसके बाजुओं में ताकत होती है, जिसके हाथ पांवों में ताकत। और अब तो 25 साल में लीवर की दवाइयां खाता चला जा रहा, 20 साल का थोड़ा सा खा ले पेट ही ठीक नहीं रहता, पेट ही पेट कहां से ठीक रहेगा तेरा। रात के 2-2 बजे तक जब मोबाइल पड़ रहेगा और 10 बजे सो के उठेगा, 10 बजे ऐसे करके आंखें मल लिया, कभी अम्मा से लड़ रहा तो कभी बहन से लड़ रहा, न काम का न काज का, न कहीं काम करने जाएगा न पढ़ने जाएगा। तुम मैक पे बातें कहने की नहीं होती, गैर मुस्लिमों को लड़कों को देखो गांवों में रोडों पे वो कसरतें कर रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं, वो चने, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी लड़की से, या कोई मतलब नहीं है मोबाइलों में चक्कर में पड़ने से, वो अपनी सेहत बना रहे हैं, भाग रहे हैं 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर भाग रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर कर करके सब पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, और तुम बर्बाद हो गए। इस लायक नहीं हो, इस लायक नहीं हो, मौका आ जाए तो भागा भी नहीं जाएगा, भागा भी नहीं, उल्टे सीधे गिरोगे, उल्टे सीधे। मेरी बातें हंसने की नहीं है, इन माओ को पता नहीं क्या हो गया, पहले की माँ थी, पहले की माँ, इन पुराने लोगों से पूछो, माँ घोट घोट के गुड़ से और दूध से और बादाम से खुद भैंस का करती थी, भैंस का, कई कई भैंसियों का दूध पीने वाले ये थे, और आज तो दूध ही नहीं, भैंस ही नहीं पलती इससे, भैंस क्या पलेगी, अपनी बेटी नहीं पलती, बेटा नहीं पलता, 8-8, 10-10 पुरानी औरतों के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, और आज एक बच्चा नहीं होता संभल के, एक बच्चा अगर हो जाए वो भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, 20 साल की 22 साल की लड़की को बर्बाद करके भेज दिया, और अम्मा अब्बा कह रही मेरा दामाद बड़ा अच्छा लगा, 3 दिन पहले हॉस्पिटल में ले गया था, 3 दिन पहले उसे कटवाने ले गया था, और अगर वैसे ही अगर कह दे अम्मा या सास या वो कह दे कि बेटी काम किया कर, तेरे हाथ पांव चलते रहे, मसाला पीसा कर, तो कहे मेरी बेटी का नसीब फूट गया, इतनी बड़ी इतनी बुरी ससुराल मिली, ऐसे वक्त में भी नहीं छोड़ रहे। बेशक अगर काम करने वाली लड़की होगी उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर ने सीधे सीख लिया, दूसरा तीसरा महीना हुआ उसने हाथ देखा, चेकअप किया कि तू आराम करिए, दवा खाती रहे ताकि ऑपरेशन में ही करूं, और तुम समझ रहे हो कि हाँ हमारी बेटी बड़े आराम से रह रही, आराम से नहीं रह रही है। आज इनसे अपने बच्चे नहीं संभलते, इनसे घर का पोछा नहीं लगता, आधे घंटे खड़े होकर इनसे किचन में खाना नहीं बनता। ये 20 साल की लड़की छत पे से कूद जाए हिरनी की तरह दौड़ती हुई नजर आएगी। पुरानी औरतें मशीनें खींचती थी, चक्की चलाती थी, मूसल चलाती थी, गोबर का पल्ला सर पर रख के छत पे उपले थोप के आती थी, वैसे ही खाती थी। 8-8, 10-10 बच्चे, शेरनी होती थी शेरनी, वो क्रीम पाउडर नहीं लगाती थी, खातब की सुरखाई होती थी उसके बाद, ऐसा वैसा बुखार, न इतने डॉक्टर थे न कुछ था, खाली खाली तेल में लहसुन जला जला करके और उसकी मालिश करके इनको पहलवान बना दिया, और आज कहां है। बातें मेरी बुरी लग रही है, माँ है ना, ये माँ, माँ तो अब मां रही नहीं, अधी मां रह गई, अधी, आधी कहां चली गई, आधी गई तकिए के नीचे। पहले की मां अपने बच्चे को पालती थी, लोरी देती थी, बाल जीवन घुट्टी देती थी, कहीं दर्द है टटोलती थी, मेरे बच्चे को कहां दर्द है कहां तकलीफ, और अब तो भैंस पड़ हुई सो रही है, आधी रात तक बच्चा डहारता रहा, आधी रात तक रोता रहा, दूध अपने पास है ही नहीं क्योंकि इसने भी कुछ नहीं खाया, ये भी बिल्कुल सूख के टांटिया हो गई, सही बता रहे हो मैं, इसके पास भी दूध नहीं है, खाया इसने भी नहीं है, पिया इसने भी नहीं है, अब वो डब्बे का दूध इतनी हिम्मत नहीं है कि बावर्ची खाने में जाके दे दे, इस अम्मा ने क्या किया, तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल, लगाया कुछ ना कुछ और बच्चे को दिखाया, बोले ले देख ये है दूध, आते सुता आते सुखा दिए आते, अब वो बच्चा चक्कर में पड़ गया, पूरी रात मोबाइल देख रहा, आंखें उसकी बर्बाद, दिल की धड़कन है उसकी बर्बाद, कान उसके बर्बाद, एक एक साल का, इस अम्मा को कहीं जाना है, बच्चे परेशान कर रहे हैं तो मोबाइल दे देती, लो जाओ जाओ और निकल गई बाहर, निकल गई पड़ोस में, बच्चे मोबाइल पे लगे पड़े, उन्हें क्या पता क्या है, छोटा बच्चा चराग पे को भागता था पहले, छोटे बच्चे को देखो आग पे को भागता, तो अम्मा ने चूल्हे में क्यों नहीं रख दिया, ये अम्मा होती थी पहले की।
पहले की माएं बहनें होती थी, समझे? ये सिखाया जाता था। हमारे बच्चे पहलवानी करते थे, हमारे बच्चे, इनके अंदर ताकत थी, वो ही पहलवानी करेगा जिसके अंदर ताकत होगी। अब तो साथी साथी हुए, दोस्त दोस्त हुए, उन्हें मालूम है कि ये कहां बात कर रहा, वो कहां कर रहा, वो कहां कर रहा, किसकी बात छूट गई है, किसकी चल रही, सब पता है। ये जिंदगी रह, इसको जिंदगी समझते हो तुम? ये जिंदगी है क्या? ये यहूदियों का मिशन था, मुसलमानों के बच्चों से मोहब्बत रसूल निकाल ली जाए और इनके सीनों में ये गंदी मोहब्बत डाल दी जाए। और ये था कि मोबाइल और टीवी के जरिए इनकी जो लड़कियां होती थी, पर्दे से रहती थी और आंचल उठा के जब दुआएं करती थी, बेड़ा पार हो जाता था, इनके घरों में नंगापन डाल दो। यही वजह आज हमारी बेटी, हमारी बहन, किसी की आस्तीन खत्म है, गला खत्म है, आधी पीठ नंगी है, बड़े बड़े पार्लर पहने फिर रही है, वो चुटिए नहीं, वो खूंटा खड़े कर फिर रही है। चुटियों का ये आलम है, ना अम्मा टोकती, ना अब्बा टोकता, ना चचा, ना ताऊ, ना मामू, ना खालू, कोई टोकने वाला है ही नहीं। बर्बादी यहां से, वो जैसा चाहते थे वैसा हो गया, अब हो बर्बाद। अरे वो भी तो माँ थी जिसने हौसे पाक को पैदा किया, वो भी तो माँ थी जिसने हुसैन पाक को पैदा किया, वो भी तो माँ थी जिस माँ ने गरीब नवाज को जन्म दिया, वो भी तो माँ थी जिस माँ ने साबिर पाक को जन्म दिया, वो भी तो माँ थी जिसने हजरत निजामुद्दीन को, वलियों को जन्म दिया, वलियों को। अब जैसे माँ होगी, जैसे बेटा होगा, उससे आला उसकी माँ होगी। तीन बेटी हैं, शादी में तैयारी पहले ही सेट कर लेती है, मोबाइल में देख देख के कौन से दिन कौन सा जोड़ा पहना, पहले ही सब सेट हो गया। बाप चोरी करे, डकैती करे, तुम सट्टा मारो, किसी का गन्ना काट के लाओ, किसी के धान मसल के लाओ, नल तोड़ के लाओ, मोटर चुरा के लाओ, किसी का गला काटो, कुछ भी करो, मुझे तीन जोड़ी कपड़े चाहिए। ये इस चीज का नाम जिंदगी, इस चीज का नाम हलाल हराम कहीं सलाह, उससे कोई मतलब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अल अज़ीम। इस चीज को आप कहेंगे जिंदगी? इस चीज को पलट के आना पड़ेगा तुम्हें अपनी तरफ, पलट के आना पड़ेगा अपनी तरफ। पहले की वो शहजादियां थी, इस्लामी शहजादियां थी, अल्लाह अल्लाह वो नौजवान किले के अंदर घोड़ों को डाल दिया, तलवार हाथ में चल रहे हौसला था, अगर कहीं से तलवार आ गई तो दिखा देंगे जोर के, ईमान दिखा देंगे जौहर। सुनने की बात है, तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो मेरी तरफ, बातें मत करो, वो आपके पीछे, बेटा बात मत करो मेरे लाल। अल्लाह अल्लाह किले के अंदर, किले के अंदर मुसलमान चल रहे हैं, नबी के गुलाम चलते चले गए, चलते चले गए, कहीं से तलवार भी नहीं आ रही, नेजा भी नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा कौन है क्या। दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए, अब चक्कर में यार यहां तो कोई भी नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद बोले, तुम यहीं ठहरो, मैं अब इनकी बाजार में देख के आता हूं, ये सुनने की बात है, मैं इनकी मार्केट में देख के आता हूं, अगर अल्लाह अकबर की आवाज आ जाए तो समझ लो खालिद की तलवार चल गई, तो तुम गाजर और मूली की तरह काटते हुए मेरे पास पहुंच जाना, और अगर आवाज ना आए तो मोर्चा मत छोड़ना, मोर्चा मेरा इंतजार करना, भले मैं मारा जाऊं या कुछ भी। कितने सच्चे होते थे वायदे के यार। हजरत खालिद बिन वलीद जब बाजार को देखने गए तो बाजार में देखा नौजवान लड़कियां वहां पे अद्दे अद्दे कपड़े पहन के और पूरा फैशन करके, वो उन लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी पूरी बाजार को खाली कर दिया, उन लड़कियों को कह दिया था तुम्हें बड़े बड़े राजा महाराजा देख करके फिसल जाते हैं, तुम्हें लोग बड़ी बड़ी दूर से देखने आते हैं, आज ईमान वालों का इधर से गुजर है। ऐ लड़कियों जो बदतमीजी
करना चाहो कर लेना, हद से गुजर जाना। आज तुम्हारे ऊपर किला है, उन मुसलमानों का ईमान बिगाड़ देना। अल्लाह, वो लड़कियां बोली ये तो हमारे मिनटों का काम है। अच्छे अच्छे देख कर मैं फिसल जाता हूँ। उन लोगों ने कहा तुम्हें मुकम्मल इजाजत है, जो चाहो करो, आज अपना किला बचा, इनका सिर्फ ईमान खराब कर देना। मगर उन्हें क्या पता था ये नबी का चेहरा देखने। हजरत खालिद बिन वलीद वापस आए और आने के बाद अपने साथियों से बोले सुनो, आज की जंग तलवार से नहीं जीती जाएगी, आज की जंग दाव पेच के जरिए नहीं, आज की जंग लड़ाई के जरिए नहीं। का फिर का आज की जंग जो जीती जाएगी वो आज नबी के किरदार से। वाह वाह वाह, आज दुनिया वालों को ये दिखाना होगा कि नबी का गुलाम क्या होता है। का ऐसे ऐसे लड़कियों को आधा आधा नंगा, इतने इतने कपड़े मैं बयान नहीं कर सकता, कितना फैशन। मुसलमान बोले कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। हजरत खालिद बिन वलीद तलवार लेकर के और ये मुसलमान चले। लड़कियों ने सीटी बजाना शुरू कर दी, तालियां बजाना शुरू कर दी, वो धक्का मुक्की करना शुरू कर दी, एक दूसरे के ऊपर ढकेलना शुरू कर दिया ताकि हमारे ऊपर तवज्जो हो जाए। मगर मुसलमानों की नजरों में कहा उन्होंने तो नबी का चेहरा देखा था, नबी का हुस्न जमाल देखा था। अल्लाह अल्लाह आला हजरत बोले सब चमक वाले उछलो मैं चमका किए, सब चमक वाले उछलो मैं चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत अल्लामा सज्जद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। यहाँ तक के उन लड़कियों ने अपने गिरेबान चाक फाड़ लिए थे, मेरा इशारा समझ गए होंगे। आज उनकी उनका फैशन उनका नंगापन हमारे घरों में आ गया। तौबा तौबा, हमारे घरों में नबी की बेटी सैयदा फातिमा का चालो चलन आना। मगर क्या आ गया, वो यहूदियों की बेटी का। कल को शादी है, तुम देख लियो कपड़े, देख लियो एक से एक, चूड़ी देख लियो, मेहंदी देख लियो, दुपट्टे देख लियो और चुटियां देख लियो, चलना फिरना खाना देख लियो, किस किस के हाथ में मोबाइल है, किस किस के हाथ में मोबाइल नहीं है, पूरा सारा तरीका तुम ताड़ लियो, फिर मेरी तकरीर को जहन में लाना। नबी की बेटी का तरीका किसी के पास नहीं होगा, हजरत आयशा का तरीका एक के भी पास नहीं है, हजरत खदीजा हजरत मैमूना का तरीका एक के भी पास नहीं होगा, हुसैन की बहन का तरीका एक के भी पास नहीं होगा। हजरत इमाम हुसैन की बहन जब करबला से गई तो तबीयत बहुत खराब जी, जी बहुत खराब ऐसे हो गए। उनके शौहर बोले दवा ले लो, कहा तुम ही चले जाना, दवा लेकर के आए, दवा फायदा नहीं कर रही। शौहर ने अब कहा चलो तुम मेरे साथ चलो, हकीम तुम्हारा हाथ देख लेगा और हाथ देख करके दवा दे। कहा मैं नहीं जा सकती, मैं मौत को गले लगा लूंगी, नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा गैर मर्द के हाथ में हाथ दूंगी मैं, अल्लाह गैर मर्द को अपना हाथ दिखाऊंगी। उनके शौहर बोले तबीयत बहुत खराब है, मैं साथ में रहूंगा, मैं इजाजत दे रहा हूं, तो इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है ना। तो सैयदा जैनब ने क्या कहा? कहा इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरे सामने मजबूरी है, मैं बेटी फातिमा की हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, मेरे बाप का नाम अली और मेरे नाना का नाम मुस्तफा है, रहमत। ये क्यों नहीं पढ़ा हमारी बच्चियों ने? क्यों? अब्बा के पास मोबाइल आया, इन्हें मोबाइल दे दिया। ये लड़की खुद कमाने नहीं गई है कि जो मोबाइल लेके आई है,
अब्बा ने पैसे दिए या अम्मा ने दिए। अब मोबाइल में कोई अच्छी चीज तो ढूंढेंगी नहीं, वही मिलेगा। अगर कुरान होता, हदीस होती, किताबें होती तो सैयदा फातिमा सामने आ जाती। हजरत अली एक दिन बहुत खुश हुए तो हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा आज जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको तुम चाहती हो, वो आज मुझसे मांग लो। फातिमा बोली, नहीं अली, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम राजी हो जाओ, अल्लाह राजी। कहा, नहीं फातिमा, आज मैं चाहता हूं तुम्हारी जो सबसे ज्यादा महबूब चीज हो उसको मांग लो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा रोने लगी। कहा, फातिमा मैंने रोने को थोड़ी कहा। कहा, अली मांग लूं? कहा, जी मांगो। फातिमा बोली, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरा जनाजा रात में निकालना। अली भी बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े आलिम थे। कहा, फातिमा एक बात बताओ, कुरान में तो कोई आयत ऐसी है नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, और ना ही कोई नबी की हदीस है, ना ही कोई इस्लामी तरीका कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा ने कहा, अली आपने कुरान की आयत मुझसे नहीं पूछी, हदीस नहीं पूछी, आपने मेरी चाहत पूछी ना, तो मेरी चाहत यह है कि मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। कहा, फातिमा क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी इसके पीछे, आप क्यों चाह रही हो मेरा जनाजा रात में निकाला जाए? कहा, अली जब तक मैं जिंदा हूं, अल्लाह इंशाल्लाह मैं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मगर मैं चाहती ये हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात में निकाला जाए, ताकि मेरे कफन पे भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये फातिमा की बातें हमारे घरों में क्यों नहीं आती? और आज कोई बहन उस वक्त तक उसका खाना हजम नहीं हो जाता जब तक के उसके कपड़े फटर फटर इधर को निकलेगी। फालतू कोई काम नहीं है, फटर फटर इधर को निकलेगी, कोई काम नहीं, फटर फटर इधर को चीखती, तब तक उसके कोई कपड़े नहीं देख ले, उसका चुटला ना देख ले, उसका ढंग ना देख ले, तब तक उसके कलेजे को ठंडक नहीं। ये ढंग मोबाइल से मिला, जैसे वो मोबाइलों में नाच रही है वैसे ही सलामी हो रही है, वैसे ही शादियों में गाने हो रहे हैं, वैसे ही हमारे नौजवान मोबाइलों में देख रहे हैं वैसे ही वो नाच रहे हैं, वैसे ही मेहंदियां लग रही हैं, वैसे ही उपटन हो रहे हैं, वैसे ही अब तो कोई ना किताब में देख रहा ना हदीस में देख रहा। चलो मोबाइल अगर तुम्हारे पास है इसको अच्छा इस्तेमाल करो, इसी में इस्लामी तरीका देख लो तो तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आ रही है? कोई नहीं देख रहा, बस ये देख रहा फिल्म, कोई बंबई में फिल्म बन रही है, किसी हीरोइन की शादी हो रही है, उसकी शादी कैसे हुई है, मैं भी ऐसे ही करूं। ये मर गए। ये माहौल हमें आपको बदलना पड़ेगा, तभी कामयाब। समझे? किसी लड़के को अगर पैंट अच्छी लगती है, पहने, बाल अच्छे लगते हैं, काले काटे जैसे समझ में करे, मगर इतना जरूर ख्याल रखे कि माशरा बिगड़ना नहीं चाहिए, बेशक माहौल उसका बिगड़ना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? अब हजरत खालिद बिन वलीद और मुसलमान चलते चले जा रहे हैं, उन औरतों ने अपनी तरफ को खींचना चाहा, मगर उन्होंने पीछे पलट के भी नहीं देखा। यहाँ तक के किताबों में आता है उन्होंने अपने सीने के कपड़े फाड़ दिए थे, एक दूसरे से बदतमीजी कर रही थी ताकि इनकी चाहत बढ़ जाए, मगर वो दुरूद पढ़ते हुए चले गए, जिनकी नजरों में मुस्तफा का चेहरा आप बिगड़ कब सकता है। सुभान अल्लाह। जब इन लड़कियों ने देखा ये कैसे लोग हैं, तो आवाज दियो, हमसे भी ज्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत है क्या? तुम्हारी नजरों में कौन है? तो वो लोग बोले, हमने उनको देखा है जिनके कदमों में खूबसूरती भीख मांगती है। आला हजरत बोले, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान
बस जहां नहीं और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चीजें हमारे घरों में क्यों नहीं आ रही? पूरे का पूरा तरीका गैरों वाला आ गया, पूरे का पूरा तरीका, और हमारा तरीका गैर अपनाने लगा, गैर अपनाने। औरतें इशा की नमाज पढ़ के इतना काम करके आराम से सो जाती थी, सुबह 4 बजे से उठती थी, और अब 8 बजे सो के उठ रही है, 8 बजे, और मूड खराब है जब उठ रही है, मूड खराब है, पता नहीं किस पे बरस पड़े, आंखें मोटी मोटी सूज गई हैं जगते जगते। तौबा 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 तौबा। अब बेचारा इसे काम से जाना, जल्दी जल्दी उठा रहा है, चलो उठो, मुझे चाय बना दो, मुझे ये कर लो, मुझे उठी जल्दी जल्दी, तौबा तौबा, गंदापन देखो, उठी ना, उसने कुल्ली करी, ना वुजू बनाया, ना नमाज पढ़ी, आंखों में कीचड़ लगे, उल्टा सीधा और आटा घोला, और बस गूंदने बैठ गए, बच्चे पै 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 करते उठ रहे, कोई हगुआ, कोई मुतुआ, किसी का नेगर फटा पड़ा, समझो को खड़े पे, वो चूल्हे पे खड़े होता धार मार रहा, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता, पै पै, किसी की नाक निकल रही है, समझे, रात भर बच्चा पड़ा हुआ मुंह तरा, ये भी उसी पे करवट बदलती रही, आया बच्चा नाक निकल रही है, सिनकर फेंका, फिर आटा गूंद रही है, लोच बहुत है, खाओ बेटा खाओ, तौबा तौबा, गंद मचा के रख दिए, गंद। बड़े पीर की माँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, उन्होंने कभी अपने बच्चे को बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया, सुभान अल्लाह, क्या अपने बच्चे को कभी बगैर वुजू दूध नहीं, अंदर बैठ के ये कपड़ा पूरा ढक के ऐसे कर अंदर बैठ के तब बड़े पीर को दूध पिलाते, आज हमारी बहन छत पे खड़े होकर दूध पिला रही, आधा गांव देख रहे, अल्लाह, बेहयाई का ये आलम। हमारे घर की लड़की इतने गले जो होते ना, इतने बड़े पहने, घर में देवर भी है, जेठ भी है, सुसर भी है, कोई तरीका नहीं, कोई तमीज नहीं कि अपना जिस्म ढक ले, दुपट्टा संभल के ओढ़ ले, आधा आधा जिस्म दिख रहा, घर में जेठ भी है, देवर भी है, चचा ताऊ सारे के सारे, मगर पता नहीं क्या सोच बन गई है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, हिल अली लसी, ये हमारे घर के तरीके, तुम भी कम नहीं हो, नल पे चड्डी पहन के नहा रहे हो, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता, चड्डी पहन के, उसमें क्या चीज ढक रही है, माँ की हया करो, शर्म करो, घर में बच्ची है, होशियार है, चच्ची हैं, भाभी हैं, चच्ची ताई, ये सारे लोग, घर भरा घर होता है, उसमें कोई तो यार इंसानियत लेके आया, ये चीजें किताबों में मिलने वाली, ये तो दिमाग से सोच समझ, ये थोड़ी है कि बहुत बारीक मसला, इतना तो तुम भी समझ सकते हो ना, इतना तो तुम भी सोच सकते हो, मगर नहीं, कोई किसी को कुछ, आज अगर किसी का लड़का ऐसा हो, लफंगी गिरी करता हो, आप उसको थोड़ा डांट के दिखाइए, तुम्हारे मुंह लग जाएगा वो, और घर चले जाएगा, उसके अब्बा ताऊ तुमसे लड़ने आ जाएंगे, जी, किसी की लड़की को तुम टोक के देखियो, वो ये कहेगा कि मेरे बेटे की बदनामी कर रहे हैं, बेटी, वो ये कहेगा साम मेरा बेटा बेटी है, तुम कौन होते हो, लड़ जाएगा। इस वजह से अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुंह बंद कर लिया, कहे किससे, किससे कहे, सगा भतीजा, सगा भतीजे को नहीं कह सकते इस दौर में जनाब, उसकी भैया अगर कुछ नहीं कहेगा तो बीबी बोल पड़ेगी, लड़ने तैयार घर में, पहले छोटा भाई सगा बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी, हिम्मत नहीं थी बोलने की हिम्मत, बड़े भाई ने सारे बच्चों के रिश्ते कर दिए, जहां चाहे उसने रिश्ते कर दिए, किसी की मजाल नहीं थी रिश्ते काटने की, और आज अब्बा कह रहा लगाइए रे बीड़ी, अब्बा कह रहा कौन रिश्ते जोड़ेगा कौन, इन बीबियों ने सगे भाइयों को ऐसा कर दिया, ऐसे खून का प्यासा बना दिया, सगे भाइयों को ऐसे कर दिया,
कितनी दिल में जगह होती थी। एक दस्तरखान पे बैठते थे तो जब सब कहते थे बड़े भाई से आप निकालो आप निकालो आप निकालो, आज तो कोई कहने ही वाला नहीं। उनकी शादी हुई वो बीबी के पास बैठ के खा के चले गए, उनकी शादी हो उनकी अब्बा मुंह तकता रह गया अब्बा, तो बड़े भाई को कौन कहेगा? जरा सोचो, नहीं नहीं शादी हुई बीबी अंदर कमरे में, बाहर से लाया एक किलो से पन्नी में दबा काली में और यहाँ कोक में दबा, यू ऐसे टिंगा 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 टम्मा से बच के सीधा वो टम्मा के पास जा रहे हैं। क्या सोच बन गई है? अरे तुम्हारे खाने से तुम्हारी अम्मा जल जाएगी कभी? नहीं, पूरी दुनिया हसद कर सकती है जल सकती है, मगर माँ का एक ऐसा रिश्ता है वो अपनी औलाद के खाने से कभी नहीं जल सकती। बेशक बेशक, अगर माँ लुकमा ले जाती हो और अगर बच्चा ये कह दे मुझे यही चाहिए तो यहाँ से निकाल लेती और ऐसे दे देती। बेशक, माँ वो चीज, और तुमने अपनी औकात दिखा दी, एक किलो सेब काली पन्नी में छुपा के आते फाड़ने को तैयार है जनाब। बेशक, ये मेरी बातें हंस रहे हो? घर को जोड़ने वाली बातें। बेशक, बड़े भाइयों की इज्जत करो, तुम इज्जत करोगे ना। असल में मर्दानगी रही नहीं, सब पे औरतें हावी हैं, औरतें। बेशक, वजह ये है पहले मर्द होते थे, मर्द क्यों? इनकी मोछ में दम होता था तो औरतें चुप रहती थी, जो कह दिया वो कह दिया, और अब तो भैया चुप है, जो बीबी ने कह दिया वो कह दिया, झूठते बोल नहीं रहे हो, तुम भी बैठे हो बोल नहीं रहे हो। हाँ सही तो है बात, जबरदस्ती मोहर लगवा रही है, जबरदस्ती। बेशक, जबरदस्ती मोहर लगवा रही है, जबरदस्ती नहीं है क्या ऐसा? तोबा 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 तोबा, आज कह के देखियो, अगर अब्बा ने कह दिया बेटो सुनो इतने दिन ससुराल नहीं जाएगा वहां जाएगा, तो किसी की मजाल नहीं है कोई भेज दे, किसी की मजाल है। लड़कियों की शादी कर दी अब्बा ने, धोखे से हो गई, गलती से, उसने सब कुछ ढूंढा मगर इत्तेफाक से वो लड़का ऐसा निकला जो औरत के लायक नहीं था, मेरा इशारा समझ रहे? मगर उस बच्ची ने कुर्बान जाए यार ऐसी लड़की पे, उस बच्ची ने उसी के घर में पूरी जिंदगी काट दी, मगर शौहर की भी बदनामी नहीं की और किसी पड़ोस को पता भी लगने नहीं दिया कि मेरा शौहर कैसा है। ऐसी भी लड़की गुजरी है और आज खाते पीते लात मार रही है। बेशक, खाते पीते लात मार रही है, अब्बा को पता ही नहीं देती, अम्मा को पता है तो अम्मा वैसे नहीं बताती। अब जबरदस्ती ना बिरादरी देखी जा रही है ना कुछ देखा जा रहा है, और अब तो मिशन चल रहा है। पहले तुम थे, तुम माने जाते थे बहादुर, अब 50 मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, जा रही है शहरों में जाकर के देखो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, बस फेसबुक से जुड़ गए, उसने उधर से एक रिचार्ज करा दिया, बस लुट गए। ये तुम्हारी जिंदगी है? जिसने लाल खून काला कर दिया तुम्हारे बाप ने, उसकी इज्जत का ख्याल रख के मेरी बहने सुने, जिस माँ ने अपना जिगर पिलाया, जिगर दूध की शक्ल में, एक रिचार्ज में लुट गए हम। मेरे इशारे बहुत गहरे हैं, हिंदुस्तान घूमता हूं सुन लेना, और नौजवान उन्हें थोड़े दिनों का मजा है कि हे हे कर लिए, उधर घूम लिए, तक लिए छत पे को, इधर तक लिए, बस हे हो गई वो बेटा जिंदगी नहीं है, ये घर में अपने हाथ से आग लगा रहे यार। आज तू किसी की बहन बेटी को तकेगा, कल को तेरी बहन बेटी को दूसरे तकेंगे, तब तुझे पता चलेगा ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है कि अगर मोहल्ले की गैर मुस्लिम लड़की भी है, उस पे अगर जुल्म हो रहा है, उस पे अगर कोई परेशानी आ रही है, तो ये मुसलमान सामने खड़ा हो जाता है, अपनी जान दे देता है, मगर उसकी इज्जत पे आंच आने जाए, आंच आने जाए। तुम्हारे कितने छप्पर चढ़े होंगे, कभी मजदूर करने की जरूरत पड़ी? कितने लिंटर पड़े होंगे, कड़ी चावल बनाए खिला दिया, समझे? बाप दादा जमीनें अब तक नहीं बटी, इतनी इतनी रोटी बनाती थी औरतें, पुरानी औरतों से पूछो, डलिया भर के रोटी बनती थी इतनी,
बारह बारह दस दस बीस बीस लोग होते और दो चार वैसे आ जाते बैठ आओ भैया बैठो खाओ 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 आओ खाओ यार खत्म ही नहीं होती थी। पूछो इनसे क्या बरकतें होती थी। और आज अपने शौहर को भी बना के नहीं खिलाई जा रही है, अम्मा अब्बा को क्या खिलाई जाएगी। कह देते दे मेरे सर में दर्द है वहीं से लिए ये होटल पे। बोले हाँ हाँ बस तू लेट रहे मैं लेके आऊंगा होटल पे से। ये कौन कहता है? ये वो कहते हैं जो क्या जुमला बोलो तुम्हें बुरा लग जाएगा। वो कहते हैं जो किसी लायक नहीं होते। समझ में आ रही है? वो कहते हैं ये बात। और अगर जिसके अंदर दम है ना, दम होता ताकत होती वो आगे चल के लड़ता है। अब दम दरूद तो रहे नहीं, कोई अमल ऐसा नहीं रहा, कोई किरदार ऐसा नहीं रहा, कोई करैक्टर ऐसा नहीं रहा, बस बालों पे जोर है, कपड़ों पे जोर है, खुसट हो गए बस। तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लोग थे मकान कई कई पड़े हैं, कह दिया करते थे बैठकें थी बैठक, हुक्के चलना है हुक्के। कितने सच्चे थे यार, कितने सच्चे दोस्त ना दोस्त। जब दोस्ती कर बेटा ऐसे बंद रहती ऐसे, जब दोस्त थे जब दोस्ती करते थे ना तो उस दोस्त की बहन को बाकायदा भात दिया करते थे इनसे पूछो, जैसे अपनी बहन को भात देते। और आज तो इतना गंदा है, इतनी गंदी सोच है, निरा नीच है, इससे ज्यादा जुमले में बोल ही नहीं सकता। दोस्ती करता या तो उसकी बहन के चक्कर में, या बीबी के चक्कर में, या माल के चक्कर में, किसी ना किसी आस्तीन का सांप है ये दोस्त नहीं। पता नहीं कब जहर दे, पता नहीं कब गला खोदता। तो दोस्ती इन पुराने लोगों से करना सीखो, इन पुराने लोगों से सीखो। कभी इन्होंने दूध नहीं खरीदा इन औरतों से, पूछो इन पुरानी औरतों के सीनों में जलन हसद नहीं होती थी, हसद जलन नहीं होता था, खुद करती थी भैंसे कई कई दूध दे, ऐसी हंडिया उठा के दे दिया करती थी, ले अपने बच्चों खिला लिया। इतने इतने बड़े गिलास होते थे भर भर के, पड़ोस में जाया करते। पुरानी औरत अगर हो तो पूछ लो भी। आज सगा भैया के बच्चे तड़प रहे, सगे भैया के बच्चे तड़प रहे तो दे नहीं सकती निकाल के दूध के, ले पी लो सगे भैया के बच्चे। और अगर भैया ने आंख बचा के दे भी दिया तो लड़ते लड़ते बुरा हाल कर देती है कि मैं कर रही हूं और यू कर रही हूं, ठूस रहे वो अब्बा को नहीं दे सकता, वो भी आंख छुपा के दे रहा। कहीं ना कहीं तुम कनोड़े हो, इसलिए कहीं ना कहीं कनोड़े हो। पहले अगर किसी के घर में आग लग गई सब बुझाने के लिए पहुंच जाए, औरतें पहुंच जाती थी, सब घड़े बदने सारी चीजें। और अगर आज अगर आग लग गई ना तो फोटो खींच रहे हैं, हाँ देखो फलाने के घर में आग लग गई है, व्यूज हासिल कर ले, फोटो खींच रहे हैं फोटो सामने। तोबा तोबा तोबा, ये बातें वो बता रहा हूं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो आगे बढ़ोगे। सुबह उठो भागो दौड़ो, तुम्हारा लीवर तुम्हारी ये उम्र ऐसे हो जाओगे जैसे शेर खेत पे चक्कर ला। फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ते हुए भागते हुए जाओ और आकर के नहा धो के चटनी से रोटी खा लोगे, चटनी से फिर देखूंगा बीमारी कहाँ जाएगी। पड़ा है एक तरफ को, अम्मा कह रही है भूख नहीं लग रही है, पता नहीं मेरे बेटे को किसी ने करा दिया, कराया और आया कुछ नहीं, कराया और आया कुछ नहीं है, ये तुम्हारे हमारे कारनामे। एक दिन भागोगे हाथ पाओ में दर्द होगा, दो दिन भागोगे हाथ पाओ, एक हफ्ते में तुम्हारे हाथ पाओ अपनी जगह आ जाएंगे, समझे। फिर कमर में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, जब खाओगे पियो। और औरतें क्या समझती है ना, खुद काम करती रहती है और लड़की को बिठा के रख देगी, मोबाइल पर डाल देगी वो मोबाइल पर। अब दूसरी जगह जब शादी होगी उसने रोटी बनाई नहीं है तो उससे बनेगी नहीं। एक बात बताओ, तुम मस्जिद में जाते हो वुजू बना के जाते हो, नहीं टोपी ओढ़ के जाते हो, मतलब पूरे तैयार होकर मैं यहाँ आया साफा बांध के तैयार। और अगर तैयार होकर के ना जाओ, तुम कुश्ती लड़ने जाओ, अगर तुम तैयार होकर के ना जाओ तो तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई है? जब इन माओं को पता है मेरी बेटी को दूसरी जगह घर बसाना है तो ये अपनी बेटी को ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रही, ये अपनी बेटी को तैयार क्यों नहीं कर रही है? बेटी रोटी भी बनानी पड़ सकती है, चावल भी बनाना पड़ सकते हैं, सालन भी बनाना पड़ सकता है, बेटी शौहर का भी काम करना पड़ सकता है, सास ससुर हो उनका भी काम कर, प्रैक्टिस क्यों नहीं दी?
भागने दौड़ने वाला सिपाही, भागने दौड़ने वाला कभी पीछे नहीं हटता। और जो आज थुका रही हैं, जो ससुरालों में जाके बदनामी करा रही, वो उन माओ की बेटी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा, मोबाइलों पर डाल रखा, जिनसे काम करना नहीं आता, एक दो महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। अब कुछ दिनों के, जब तुम 6 लाख 8 लाख 10 लाख अपनी बेटी के आराम के लिए खर्चा कर रहे हो, तो कम से कम बेटी को तैयार भी करो। ये माओ की जरूरत है, माओ की। अपनी बेटियों से आटा गूंदवा दो ना, अगर उकरू बैठ के लड़की ऐसे करके आटा गूंद ले सुबह शाम, वर्जिश है वर्जिश। अगर चाइना में देखो ना, ये जितने जो तुम जाते हो 1 घंटे के लिए जिम जा रहे हैं, जितने भी ये सारे के सारे वर्जिश करने वाले, तुम अगर 2 घंटे ना मेंढ में उधर से 2 बीघे से चलो इधर तक लचे लचे, जब मेंढ अगर फावड़े से डाल दोगे ना, तुम दोपहर को 2 रोटी बढ़ती खाओ और फिर शाम को आराम से दुनिया को भूल जाओगे, टांग फैला के सोओगे, सुबह को उठोगे और नहा के तुम पहलवान बन लो। काम भी हो रहा, वर्जिश भी हो रही, मगर सब खत्म है, सब खत्म कर दिया, सारी चीजें खत्म हो गई, कोई चीज ढंग की मिली नहीं रही है। मुर्गा आ रहा वो बेकार, सब्जी आ रही वो बेकार, भैंसी तो अब लोग पालने ही बंद कर दिए, नई बहू आ रही उसे तो पली नहीं रही, पुरानी है बिचारी का तो कर लेती है, समझ में। वो भी इसलिए अब सारे का सारा दूध बिक रहा, पहले बिकते ही नहीं था, वो भी उसी में खर्चा निकाल रही, सारी चीजें नकली मिल रही। लिहाजा अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। मेरी बात ये बुरा मत मानना, इस्लामी रिश्ते का मैं तुम्हारा भाई हूं, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो फिर किसे बताऊंगा। तालीम से जुड़ो, खाली घूमने वाला कुत्ते भौंकाता मोहल्ले में वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। और काम करने वाला, उसकी जेब में 10 पैसे होते हैं, वो माँ की भी खिदमत करेगा, बीबी भी अच्छे से रहेगी, बहन भाई को भी देख लेगा। और जिसके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों के पास भीख मांगता फिर रहा, यार जरा गुटके के लिए दे दिए 2 रुपए, यार जरा बीड़ी पिला दिए, भिखारी बन गया भिखारी। और अपने आप को बड़ा अच्छा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, फ्री फ्री आई ये फ्री तो कुत्ते भी घूम रहे हैं। बेशक माफ करना, बुरा लगता होगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ। काम करो मेहनत से, जो लड़के बाहर चले गए ना काम करने के लिए, जो मोहल्ले में घूम रहे हैं, सब गलत नहीं है, मगर उनको काम नहीं मिल रहा, उनको भी बुलाओ, काम से लगो, आगे बढ़ो। 5-7 अगर लड़के हैं तो 5-7 सबके सब कमाओ, तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े हो, तुम्हारी बहन की शादी हो तो अच्छे से हो, तुम खाओ अच्छे से, पियो अच्छे से, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, समझे। ऐसे ही फिर दीन की तरफ आ जाओ। मस्जिद को देखो, अरे आलीशान बना डालो, हमारी मस्जिद में एसी होगी। इमाम को देखो, अरे यार हम इतना कमा रहे, इमाम को पाट दो, फजर में गए 100 रुपए का मुसाफा कर दिया। वही करेगा जिसके पास मुसाफा, और वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, दोस्तों कपड़े खींच रहा, देगा नहीं 100 रुपए निकाल जबरदस्ती, और वो सोच रहा है बड़ा अच्छा अच्छा है, वो भिखारी है भिखारी, नंगा कहीं का नंगा, अम्मा से घर में जा रहा तो लड़ रहा, अब्बा से जा रहा तो लड़ रहा, सबसे कुत्ते भौंका था, ये कोई जिंदगी नहीं, बेशक मेरे नजदीक तो है नहीं, बाकी उनको पसंद आती होगी जो निठल ले। हाँ इधर तक लिए उधर तक लिए, किसी की शादी उधर पहुंच गए तकने के लिए, बाल काले उल्टे, कब तक तक होगा? नहीं, तौबा कर लेना, हमें तौबा कर लेना, और हमें कल से ही एक नई जिंदगी शुरू कर देना। माँ बाप को राजी रखना, इनकी शादी ये तारीखी शादी हो जाए, माँ बाप को राजी रखना, माँ बाप को, पढ़ने वाले इमाम हो, मौलवी हो, आलिम हो, इनसे सीखो, समझे, इनकी इज्जत करो। कोई भी बड़ा हो उसके सामने, वाले सलाम, उसके सामने ज्यादा बड़बड़ मत करो, उससे अदब करो। और लड़कियों तुम भी पर्दे में रहो, मेरी बहनों बच्चियों, अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो वक्त नहीं रहा, तुमने देखा नहीं था भी लॉकडाउन में, तुम्हें क्या पता चला, हमसे पूछो। ऐसे ऐसे जिनके सब कुछ है, सब कुछ है, तासुब बहुत ज्यादा हो गया जो माइक पे मैं बता नहीं सकता, हालात, अब जमाना वक्त वो आ गया ना, तैयारी शुरू कर दो। तैयारी का मतलब ये है, अपने आप को संभालो,
तुम अपनी जिम्मेदारी तुम अपनी खुद नहीं उठा पा रहे हो तो माँ बाप की क्या उठाओगे। अगर पांच भाई हैं कमाने वाले ना, तो अगर एक की कमाई से पूरा घर चल गया, चार की कमाई जुड़ रही है, समझे? सब इकट्ठे बढ़िया एकदम रहो, छोटो बड़ों की इज्जत करो। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ कर कह के जाऊंगा, ये बीवियों ने शौहरों को टेंशन दे रखी, खाली मूली टेंशन दे रही है, खाली मूली। अगर कुछ लड़के काम करने वाले तो उन्हें निकलने ही नहीं दे रही, घर में ही फांस कर रख रही है। तुम्हारी अम्मा ये कह रही है, तुम्हारी बहन ये कह रही है, तुम्हारी फुप्पो ऐसे कह रही है, मैं घर में नहीं रहूंगी, अगर मुझे रखना तो ऐसे करो। पूरी जिंदगी इसी में गुजरे, क्या क्या करोगे बाहर निकल के? तुम मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कहूंगा, ये मर्द है मर्द। पहले की औरतें अगर मामला ये देखा कि हार तारे है ना, तो चूड़ी निकाल के दे दिया करती थी, लठ लेके आगे बढ़ती, कहती चूड़ी तुम पहनो हम जा रहे हैं आगे। पूछो इन बुजुर्गों से, ऐसी बहनें गुजरी हैं। और अब तुम्हें चूड़ी क्या देगी, तुम पहले से ही चूड़ी पहने फिर रहे हो, कड़े पहने फिर रहे हो, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, बाल जैसे छक्का, सूरतें बिगड़ी पड़ी हैं और हाथों में चैन लटक रही है। तोबा 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 लाहो। शौक शौक भी गलत हो गए। पहले शौक क्या थे? कुश्ती लड़ने का शौक। ये शौक वही करेगा जिसके जिस्म में ताकत हो, समझ में आ रही है? पहले शौक बड़े बड़े रहते थे लेकिन अदब को मलहूज रखते थे। सास के सामने बहुओं की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, सास के सामने बहुओं के बोलने की। और अब बेटे ही जब जवाब दे रहा है, बेटे ही लेके निकल जाता तो कौन सुने? अपना जिसको खून पिलाया, दूध पिलाया, वो ही नहीं सुन रहा तो दूसरी क्या सुनेगी? समझ में आ रही बात? बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक। शादियों में प्रोग्राम किया करो ताकि ये निजामुद्दीन इनकी शादी अल्लाह ताला बरकते फरमाए, इनसे इनका ताल्लुक ये इसी बस्ती के, आप इसी बस्ती रहने वाले हो माशाल्लाह, बहुत जगह निजामत करते हैं। तुम्हारे यहाँ और भी कई मौलाना मौलाना सराज साहब हैं, सरताज साहब हैं, मोहम्मद आजम साहब हैं, ये सब लोग आजकल फ्रेंड पे आ रहे हैं। तुम्हारा गांव गजरौला कितनी अंदर है किसी ने नहीं देखा, मगर आज वो तकरीरें कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं मौलाना सरफराज साहब, मौलाना सरताज साहब, समझे? और इश्तहार में नीचे आया गजरौला, तो नाम हुआ नहीं हुआ? वो कोई चोर होता, लफंगा होता, कोई उठा हुआ डकैत होता तो उसी के नाम से होता। ये अल्लाह का फजल है तुम्हारे यहाँ से ऐसे मौलाना निकल रहे हैं। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम भी अपने तौर तरीके बदलो। अब देखिए इनकी जिंदगी, 45 साल इन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए हो गए, एक दो साल नहीं 47 साल, हाँ तीन कम है 50 में, बहुत बड़ी बात है। ये एक मस्जिद में गुजर गई इनकी उम्र। ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, समझे? ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला चाहता है, पसंद करता है, समझ में आ रही? अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए, इनसे सीखा करो, इनका अदब किया करो। तुम अपने माँ बाप का भी अदब करो, नीचे को सर करके चला करो, इधर आदर मत चोंची आया करो। मैं अपनी बहनों से कहूँगा तुम भी ऐसे कपड़े पहना करो कि तुम्हारा जिस्म दिखाई ना दे। तुम भी इनके अपने भाइयों की मदद करो, समझे? अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक। ये इन लोगों ने जुड़ करके, इनसे मिल करके बहुत अच्छा काम किया है ताकि पैगाम हम तक पहुंच जाए। अल्लाह सलामत रखे। तुम्हें फ़ायदा दिखाई न दे न दे, मगर नबी की हदीस के मुताबिक अब इस जगह को जन्नत की क्यारी बना दी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ें, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिं व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।